हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है देखिए वीडियो को देखा देखा करें अगर वीडियो को आप देखेंगे ओके okay, और नॉलेज लेना चाहते हैं मार्केट में सीरियस वर्क करना चाहते हैं मार्केट को सीखना चाहते हैं मार्केट में किस तरीके से क्या चीजें होती है वो करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको चीजें सीखनी होगी और सीखने के लिए हमारे पास हम यहाँ पर डेली बेसिस पे वीडियो बनाते हैं कल यहाँ पर देखिए वीडियो बनाई थी सेक्टर रोटेशन कैसे पहचाने ओके okay, इसके पीछे का रीजन क्या था इसके पीछे का रीजन सिंपल ये था क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर ऊपर जाने के लिए तैयार थी और कुछ चीजें यहाँ पर नीचे आने के लिए तैयार थी इसलिए यहाँ पर यहाँ पर, पर यह वीडियो बनाई गई थी तो यहाँ पर उसी चीज से रिलेटेड एक बात करेंगे शॉर्ट में और एक स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे जो की यहाँ पर बहुत प्यारा नजर आता है और यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है शेयर में और काफी यहाँ पर नीचे गिर गया हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे आ गया बीस से पचास तक के रिटर्न और मोर देन दैट रिटर्न आपको मिलने की यहाँ पर गुंजाइश है मैंने यहाँ पर आज बाइंग कर लिया

तो हम से एक एक करके चीज़ें समझते हैं पहले फिर उसके बाद देखेंगे तो देखिए निफ्टी फिफ्टी जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा था चीज़ें ऊपर गई यहाँ पर जब हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी एक तो यहाँ पर मैंने बताया था निफ्टी फिफ्टी नीचे नजर आती आ जाती हुई दिखाई देती है तो यहाँ पर नीचे निफ्टी फिफ्टी फिफ्टी डी एम पे आ गई है अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए ये कोशिश करेगी और इसमें कौन से सेक्टर सपोर्ट करेंगे तो हमने कल की वीडियो में यहाँ पर देखिए बताया था कि किस तरीके से कुछ सेक्टर यहाँ पर गिरते हुए नजर आएंगे जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी थी निफ्टी बैंक की तो यहाँ पर निफ्टी बैंक हमने कहा था कि यहाँ पर गिरते हुए नजर आ सकता है क्योंकि अच्छा खासा ये भाग लिया तो यहाँ पर देखिए निफ्टी बैंक यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया ओके इसके अलावा हमने निफ्टी पी की भी बात करी थी कि पीएसयू सेक्टर ऑलरेडी यहाँ पर और अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर चल चुका है तो इसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है इसके अलावा जो सेक्टर यहाँ पर सपोर्ट करेंगे वो है निफ्टी आईटी तो हमने आज देखे तो निफ्टी आईटी टी यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया नीचे गिरा था बट यहाँ पर रिकवर होकर ऊपर की लेवल पर आया और निफ्टी के मोस्टली uh, आईटी के स्टॉक्स यहाँ पर भागते हुए दिखाई दिए इसके अलावा और भी यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जैसे स्टील की मेटल की बात करी थी तो देखिये स्टील के सेक्टर यहाँ पर आज पॉजिटिव डायरेक्टरी में बंद हुआ और ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है साफ ओके तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख के वो पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर यहाँ पर लीडिंग शेयर और अच्छे शेयर यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं वो ऊपर जाएंगे और जब ऊपर जाएंगे पर बुकिंग करनी है। फिर नीचे दूसरे सेक्टर जब भागते हुए नजर आती है आज के दिन में गिरावट जरूर थी ओके बट यहाँ पर एक सपोर्ट और ये चल रहा है ये चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी और हमारी चीजें जो हम स्टॉक से करी है वो यहाँ पर भागती हुई दिखाई देगी दो चार पांच दिन की और बात है ओके okay, आज आज अगर हम बात करें तो एक्सपायरी भी थी तो एक्सपायरी का यहां पर पूरा यहां पर प्रेशर बना हुआ था तो वही सब चीज यहां पर थी अदरवाइज चीजें यहां पर अच्छी खासी होती हुई नजर आती है और हमारी कुछ शेयर में अगर बात करें दो दो शेयर से लेकर हमने यहां पर डॉल्फिन से रिलेटेड बातें करी थी ओके okay, वो यहां पर अगर हम बात करें डॉल्फिन रबर यहां पर अपर सर्किट में जाता हुआ नजर आया ओके okay, यहाँ पर आ, यहाँ पर आठ परसेंट भाग है अपर सर्किट लग गया था फिर नीचे आया तो हमने यहाँ पर आ, आपको बताया था कि यह शेयर ऊपर ही जाएगा ऊपर जाने की इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसके साथ इस अलावा बिरला मनी से रिलेटेड हमने बातें करी थी क्या कुछ दिन पहले ही बातें करी थी और बाद में बताया था इसमें यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया दस परसेंट का तो ये चीजें आपको समझनी होगी और चीजों को नीचे से खरीदना होगा तभी यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा अभी अपर सर्किट चल रहा है अब यहाँ पर एटी का टारगेट यहाँ पर आपका फिक्स है और अच्छे खासे रिजल्ट है कुछ बात ही नहीं है अब इसी तरीके से एक स्टॉक से रिलेटी बातें करेंगे वो स्टॉक काफी बेहतरीन नजर आता है और आपको बेहतरीन रिटर्न देता हुआ नजर आएगा और इस तरीके के स्टॉक जब भी हमने चूज करे है ना तो हमें 20 से 30 परसेंट के रिटर्न महीने के भर के अंदर ही अंदर मिल गए तो आइए वीडियो की तरफ सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए एक आईटी कंपनी है ओके सबसे पहले यहां पर कल इसके रिजल्ट आए थे तो कंपनी देखिए यहाँ पर डिविडेंड जब इसका बढ़ता हुआ जाता है ना एक रुपए में दो बार डिविडेंड दे दिया एक से डेढ़ रुपए फिर दो में डेढ़ रुपए दिया फिर यहाँ पर डाई रुपए यहाँ पर टू पैसे टू पॉइंट का यहाँ पर डिविडेंड मिलता हुआ नजर आया दो में ओके और इस तरीके से चीजें मिलनी शुरू होती है ना और यहाँ पर जब डिविडेंड बढ़ जाता है तो कंपनी पर कुछ ना कुछ कर रही है, अच्छा कर रही है इसलिए ना तो यहाँ पर रिजल्ट देखिए किस तरीके से सोलह सैंतीस चालीस दो हजार बीस में पैंडेमिक का थोड़ी के रीजन की वजह से थोड़ा गिरता हुआ नजर आया फिर दोबारा दो हजार इक्कीस में यहाँ पर ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है आप प्रॉफिट की भी बात करेंगे ओके okay, ये चीज हम विस्तार में देखेंगे बट थोड़ा सा यहाँ पर बात कर देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पर अच्छा खास तरीके से एक फ्लैट मोड पे चल रहा है बट कंपनी काफी इस बार के रिजल्ट यहाँ पर प्रॉमिसिंग आए है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे वो चीज हम देखेंगे यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए कोई भी शेयर प्लेस नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर ये ये चीज मत देखिएगा अभी हम चलेंगे तो हम मैं आपको दिखाऊंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह सब चीज तो हम चलते हैं वीडियो को नाम देख लेते हैं पहले शेयर का तो इसका नाम देखिए शेयर का नाम है Sagar so सागर सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड तो अगर सागर सॉफ्ट की बात करें तो एक करोड़ रुपए की मार्केट कैप है तो यहाँ पर रिस्क भरा हुआ है बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा रिस्क 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 है 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 बट पर 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 रिवॉर्ड रिवॉर्ड भी भी उसी तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा याद रखिएगा के साथ जहां पर रिस्क होती है, वहां पर भी बहुत ही होता है। तो यहां पर ज्यादा पैसा नहीं लगाना इतना लगाना है कि खोने का डर ना हो एज वेल एज यहाँ पर मिलने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए कि हाँ आपने पांच हजार रुपए लगा दिए तो उसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको दस हजार रुपए लगा दिए कि दस हजार रुपए कल की डेट में अगर

सागर सॉफ्ट नाइन सेवन में आई थी ओके इट प्रोवाइड्स आईटी टीसल्टेंट डिजिटल सॉल्यूशन ऑफरिंग बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड सर्विसेज टू ग्लोबल इंटरप्राइजेस द्लाइंट इंक्लूड फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनी तो फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनीज जहां पर uh, होती है मतलब अच्छी 500 सौ कंपनी जहाँ पर uh, बात करते हैं वर्ल्ड की तो वहां पर ये कंपनी को यहां पर अपने सर्विसेज प्रोवाइड करता हुआ नजर आता है अभी एक आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया है देखिए यहां पर बात करें तो लेटेंट uh, यहां पर लेटेंट व्यू बन

ट्वेंटी बाई थ्री परसेंट एज वेल एज यहाँ पर वीरा कमर्शियल क्लाउड से सोल्यूशन मतलब क्लाउड में कंपनी काम करती हुई नजर आती है प्रोवाइड्स डिजिटल एंगेजमेंट एंड डिजिटल लाइफ लाइफ साइकिल मैनेजमेंट यहाँ पर इसमें कंपनी काम कर रही है आउटसोर्सिंग करती हुई नजर आती है यहाँ पर ये कंपनी डिजिटल वर्ल्ड में ये कंपनी साइबर साइबर सिक्योरिटी रिड्यूज एंड रिस्क आई इसमें काम करती हुई नजर आती है मोबिल मोबिलिटी में कंपनी काम करती हुई नजर आती है प्रोडक्ट की बात करें सेंट्री फूगो ऑफर एच आर एस रिसोर्स मॉड्यूल यहाँ होगा जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो इनका फाइनेंशियल uh, में ओके okay, से यहाँ पर इनका पैसा आता हुआ दिखाई देता है की बात तो कंपनी आई टी है काफी बेहतरीन है डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है एज वेल एज मैक्सिम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है जैसे कि रिस्क बताया कि शेयर गिरेगा तो अच्छा खासा यहाँ पर गिर के आपको एक साइड बाई जोन में चलता हुआ नजर आएगा फिर उसके बाद जब भागेगा तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे, दे देगा एक ही बारी में आपको आपके पैसे यहाँ पर मल्टी बैगर कर देगा तो इसी तरीके के यहाँ पर ये चीजें होती है डिविडेंड अच्छा देता है डेट फ्री कंपनी है किसी तरीके की यहाँ पर कॉन्स दिखाई नहीं दे रहे प्लस केवल प्रॉन्स प्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा बात करें एक बार इनकी वेबसाइट भी देख लेते हैं सर्विसेज यहाँ पर देख सकते हैं सारी की सारी डिजिटल डेटा डिसीजन आउटसोर्सिंग विवा

यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के नाम से फिर अच्छी खासी नजर आ रही है सेल्स की बात करें तो सेल्स यहाँ पर देखिए ईयरली बेसिस पर बढ़ती हुई नजर आ रही है जहां पर 2010 में 7 करोड़ की सेल्स थी छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी धीरे 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 करके बढ़ रही है अभी पिछले 12 महीने में 46 करोड़ की पर पर सेल्स नेट प्रॉफिट हाईएस्ट हाईएस्ट नहीं कहूंगा बट स्टिल अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है कंपनी ने और धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो कंपनी और ज्यादा यहाँ पर काम करती हुई नजर आएगी रिजर्व की बात करें ऐसी कंपनी कब कब में करोड़पति बना देती है आपको पता नहीं चलेगी रिजर्व बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एक करोड़ के रिजर्व इक्कीस करोड़ के हो गए डेट फ्री कंपनियां किसी तरीके नहीं है कंपनी का कैश की बात करें तो कंपनी के पास यहाँ पर सात करोड़ के आसपास का कैश है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है आर ही यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है कभी नेगेटिव थी यहाँ पर देखिए आर ओसी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है फाइनेंशियल के हिसाब से और यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम होती हुई नजर आ रही है आपको यहां पर दिख रहा है कि यहाँ पर फोर्टी हो गई ये लगभग कुछ परसेंट यहाँ पर कम हुआ है बट यहाँ पर कम नहीं हुआ है अच्छे खासे लोगों ने यहाँ पर देखिए है यहाँ पर रविंदर रेडी कोटा ने यहाँ पर कितने दस परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर सॉरी सेटी, ने यहाँ पर दस परसेंट की हिस्सेदारी इस, इस क्वार्टर में खरीदी है याद रखिएगा इस क्वार्टर में यहां पर हिस्सेदारी खरीदी है जबकि शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर बात करें देखिए ये भी एक नए ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं महाजन और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए अच्छी खासी होल्डिंग, तो होल्डिंग सबके पास यहाँ पर नजर आती है डी की बात करें डी भी एफ आई यहाँ पर नहीं है एफ की नजर में आएगा शेयर तो एफ तब और शेयर भागता हुआ नजर आएगा अब बात कर लेते हैं यहां पर इसके चार्ट पैटर्न की तो चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो शेयर है बी पे ही लिस्ट है ओके okay, आपको बी पे ही पे यहाँ पर दिखाई देगा और कहीं यहाँ पर दिखाई नहीं देगा इसके अलावा ये शेयर यहाँ पर लगभग 67 सेवन परसेंट यहाँ पर टूट चुका है ऊपर से यहाँ पर नीचे आ चुका है और जैसे कि बात बत, बताना चाहता हूँ ये शेयर जब भागना शुरू करता है छोटा शेयर है कोई भी इजीली इसे मॉडिफाई कर सकता है या फिर इसे हिला सकता है तो अगर हम बात करें तो देखिए अपर सर्किट लोअर सर्किट में भी कभी कभी ये चलने शुरू कर देता है देखिए ये अपर सर्किट में गया यहाँ से फिर यहाँ पर थोड़ा नीचे गया तो यहाँ पर अपर सर्किट में गया और अच्छा खासा ये शेयर यहाँ पर सिक्सटी थ्री परसेंट टूट चुका है और हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के नाम से अच्छा खासा ये नजर आता है क्यों क्योंकि देखिए यहां पर पहले सपोर्ट लिया यहाँ पर भी एक सपोर्ट नजर आता है इसके अलावा बात करें यहाँ पर यहाँ पर भी एक सपोर्ट नजर आता है तो कंपनी एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन पे एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई है कंपनी के वॉल्यूम की बात करें अभी थोड़े से डल है क्योंकि कंपनी थोड़ा यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दे रही है बट कब कब में यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएंगे और कब कब में भागना शुरू हो जाएगा आप खुद देख लीजिएगा इसके अलावा हम आर एस आई की बात करें तो थर्टी नाइन के आर पे चल रहा है मुझे यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करने की सलाह मैं दूंगा मैं खुद यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करूंगा और यहाँ पर शेयर इसी तरीके से से भागता हुआ नजर आएगा और इस तरीके से हमारे काफी सारे शेयर चले भी है और अच्छे खासे रिटर्न हमें फिर यहाँ पर मिलते हुए भी नजर आए हैं तो यहाँ पर 63 परसेंट के रिटर्न की तो मैं बात नहीं करूंगा बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 184 एटी पे ये शेयर चल रहा है और अगर तीन महीने के अंदर अंदर ये शेयर अपने यहाँ पर टू फिफ्टी सिक्स भी चला गया जो कि चला जाता है अभी हमने और इसी तरीके से जीपीआईल गोदावरी हमने पावर से रिलेटेड देखा था वो भागता हुआ दिखाई दिखा दिया ऐसे काफी सारे शेयर यहाँ पर आपको अच्छे लेवल पर मिलते हुए नजर आएंगे जो अच्छे खासे रिजल्ट पेश कर रहे हैं चाहे फ्लैट हो या कुछ भी हो अच्छी खासी भी चीजें मुझे नजर आती है पर यहाँ पर दोबारा सपोर्ट भी लिया है कंपनी के टारगेट यहाँ पर अच्छे खासे मुझे अचीव नजर आते हैं चार्ट पैटर्न की बात करें कुछ ऐसा खास चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है बट हां

और सीख के यहाँ पर अच्छे खासे मार्केट से पैसा कमाइए थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस